छत्तीसगढ़ के रजनांद गांव में एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि गत शाम मोहल्ला ब्लॉक में कोरोना के 4 एक्टिव केस मिलने के बाद आज सुबह डोंगरगढ़ में एक पॉजिटिव केस मिला है। प्रशासन ने डोंगरगढ़ को पूर्ण लॉक कर दिया है, वहीं बगनदी बॉर्डर को भी पूर्ण लॉकडाउन करने की तैयारी चल रही है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे डोंगरगढ़ को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके साथ ही बाघ नदी बॉर्डर को भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाघ नदी में तैनात डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर जिसे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डिप्टी कलेक्टर के ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण प्रशासनिक अमले में जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की है उन सभी को क्वारंटाइन करने की तैयारी चल रही है। सभी की जांच कराने की कवायद शुरू हो गई है। इसकी पुष्टि कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने की है। आपको बता दें कि रजनांद गांव में कलेक्टर के ड्राइवर को कोरोना होने पर हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।